यो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिजीत सिंह मोनू और आप देख रहे हैं आपका अपना ब्लॉगिंग चैनल वी एस मून। तो गाइस, अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर में और अभी मैं होटल में हूँ। अभी होटल से अभी निकल रहा हूँ और मैं आज आपको ले जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर का फेमस पार्क, जो कि है जुब्बा सैनी पार्क। मुजफ्फरपुर आए और जुब्बा सैनी पार्क नहीं गए तो बेकार है। तो चलिए, मैं आज आपको जुब्बा सैनी पार्क का ब्लॉग दिखाऊँगा। तो अभी होटल से साइन ऑफ करते हैं और साइन ऑफ करने के बाद मिलते हैं जुब्बा सैनी पार्क में। और अंदर कैसे जाएंगे, टिकट चार्ज कितना है, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में। तो ब्लॉग को अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं जुब्बा सैनी पार्क। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं जुब्बा सैनी पार्क। आप देखिए, जुब्बा सैनी पार्क का मेन गेट है। तो हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे, इधर टिकट लेंगे और टिकट लेके अंदर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, टिकट लेते हैं और बताते हैं टिकट चार्ज। टिकट चार्ज आपको 10 रुपये पड़ेगा, यहाँ हमने देखा है। तो चलिए, टिकट लेंगे और अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपका व्यू दिखाएंगे अंदर का, क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं। गाइस, ये रहा टिकट और चलिए चलते हैं अंदर और अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज, मैं आ गया हूँ अंदर और अंदर का मैं व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखिए, यही है जुब्बा सैनी पार्क के। अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू अब दिखाते हैं आपको। और मेरे साथ है अविनाश। तो गाइज, अभी शाम के बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 3:30। शाम के 3:30 बज रहा है और इस पार्क का टाइमिंग है दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे तक। अगर आप आना चाहते हैं तो इसका टाइमिंग है दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे तक। और अंदर का मैं व्यू आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं छोटा सा फाउंटेन लगा हुआ है, जो कि रात में, शायद रात में चलता है, मैंने देखा नहीं है। और चलिए, और मैं आपको पार्क का व्यू दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल तो कपल नज़र आ रहे हैं। तो यही है मुजफ्फरपुर का सबसे फेमस पार्क, जुब्बा सैनी पार्क। चलिए और दिखाते हैं अंदर का व्यू। चलिए आइसक्रीम खाते हैं। चोकोबार है भैया, ये तो दो। तो दोस्तों, हमने चोकोबार ऑर्डर किया है। गर्मी काफ़ी है, इस वजह से कंठ सूख रहा था। कितना हुआ, कितना, 30-30। पकड़ो अभी, ऐसा लग रहा है अविनाश, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, हम लोगों ने चोकोबार ऑर्डर किया था और चोकोबार खा रहे हैं, अच्छा लगा। और हम जब भी आइसक्रीम खाते हैं तो चोकोबार ही खाते हैं, दूसरे का टेस्ट हमको अच्छा नहीं लगता है। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए सोचे चोकोबार ऑर्डर करें। आप पीछे देख सकते हैं, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए। साइड भी देखे, पीछे इधर भी झूला लगा हुआ है। चलिए चलते हैं अंदर। इसको देख के बचपन का याद आया अविनाश, एकदम। जब हम छोटे बच्चे थे इसी पे झूला करते थे, हम बड़े हो गए तो टावर वाले पे झूलते हैं। हम लोग के लिए भी यहाँ झूला का इंतजाम है, देखिए हेलीकॉप्टर, ये देखिए। तो
हम लोग के लिए भी इंतजाम रखा गया है, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए सिर्फ ध्यान रखा गया है। चलिए चलते हैं अंदर और शूटिंग करते हैं। बहुत दिन हो गया राइफल उठाए हुए थे, आज मन कर रहा है। क्या करते हैं, किया जाए। चलिए करते हैं। ऐसे हुआ तो छोटू ने बताया 20 का 10 फायरिंग। चलिए 10 फायरिंग करते हैं और देखते हैं कितना बैलून सब फूटता है। ठीक है भाई, चलिए एक फायरिंग हमने किया लेकिन लगा नहीं, दूसरा ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये लगा, ये एकदम सही तीर सही निशाने पे। वाह। तो गाइस गर्मी काफी है, आइसक्रीम खाने के बावजूद भी गर्मी लग रही है। और आप पीछे देख सकते हैं ये है पहाड़ का टीला। तो चलिए चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाने के बाद मैं आपका ऊपर से कैसा लगता है पार्क देखने में वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं ऊपर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं, और आप देखिए ऊपर से दृश्य कैसा लगता है देखने में। मैं यहाँ से व्यू एक बार दिखा देता हूँ चारों तरफ का। तो चलिए चलते हैं और नीचे फिर चलते हैं और नीचे दिखाते हैं और क्या है देखने को, तो मैं आपको दिखाऊंगा इस लोगों को। तो गाइस आप देख सकते हैं अंदर रास्ता बनाया गया है, और ये रास्ता को ऊपर से पूरे मतलब हरे भरे पेड़ों के द्वारा ढका गया है। आप देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल अभी मैं यहीं हूँ जुबा सैनी पार्क में, और लगभग आधा घंटा हो गया ना अभिनाश, तो आधा घंटा हो चुका है। और मैंने पार्क का जो भी व्यू हुआ है मैंने आपको दिखाया है। तो सोच रहे हैं जुबा सैनी पार्क के ब्लॉग को यहीं ख़त्म किया जाए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना ताकि नोटिफिकेशन पहले आपके पास जाए। कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।